प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें अकेले रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान सरकार के कई मंत्री देश के 45 अलग अलग जगहों पर सरकारी मेले में शिरकत थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया। इस साल के अंत तक 10,00,000 सरकारी नौकरियों का वादा कर चुकी सरकार अब तक 1,50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। सरकार की योजना इस साल के अंत तक हर हाल में शेष लाखों रिक्तियां खत्म करने की है। मोदी सरकार बीते साल अक्टूबर महीने में 75,000 और इस साल जनवरी महीने में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। तीसरे रोजगार मेले के बाद नियुक्ति पत्र पाने वाले की संख्या अब 2,17,000 हो जाएगी।